हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल न्यूज 48। होमगार्ड जवानों से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, आप जानते हैं हमारे पूरे देश में इस समय कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है। हमारे होमगार्ड साथी पुलिस विभाग के साथ कर्फ्यू में हर जगह ड्यूटी जो है वो 10-10, 12-12 घंटे तक दे रहे हैं, लेकिन होमगार्ड साथियों को जो है वो इसके लिए अलग से कोई सुविधा नहीं दी जा रही थी। लेकिन दोस्तों, आज केंद्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया था, होमगार्ड जवानों को भी पुलिस कर्मियों की तरह सैनिटाइजर, मास्क आदि सभी व्यवस्थाएँ उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, होमगार्ड जवानों के लिए एक अच्छी खबर है और कुछ अन्य अपडेट्स पर भी हम बात करेंगे। कोरोना वॉरियर्स के लिए राज्य सरकार का बड़ा फैसला, राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को कोरोना अभियान से संबंधित ड्यूटी पर रहते हुए कोरोना संक्रमण की वजह से असामयिक मृत्यु होने पर 50 लाख रुपए की सहायता राशि आश्रित परिवार को देने की घोषणा की है। भारत सरकार द्वारा कोरोना महाक्रोप में ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाने पर सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों को 50 लाख रुपए बीमा कवर देने की बात की थी। इसका दायरा बढ़ाते हुए राज्य सरकार द्वारा उक्त स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा अन्य सभी राज्य कर्मियों, पटवारी, ग्राम सेवक, कांस्टेबल आदि, संविदा कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी आदि एवं मानदेय कर्मचारी, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, आशा सहयोगिनी आदि को भी शामिल किया गया है। यानी दोस्तों, हमारे होमगार्ड साथियों को भी 50 लाख रुपए के बीमा कवर में राजस्थान सरकार ने शामिल कर लिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम है। दोस्तों, हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर एक वीडियो बनाया था, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 50 लाख की बीमा योजना में शामिल किया है। वहाँ पर हमारी एक आशा बहन ने एक सवाल पूछा था कि जब हमारी मृत्यु हो जाती है अगर दुर्भाग्यवश कोरोना की वजह से, तो जब हमें 50 लाख रुपए मिलेंगे उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। जी हाँ भाइयों, उस बहन का सवाल बिल्कुल सही था, जब मृत्यु हो जाएगी तो उन्हें रुपए मिलेंगे, उससे उनको क्या फ़ायदा मिलेगा। तो सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारे होमगार्ड साथियों को, हमारे संविदा कर्मचारियों को कुछ वेतन भी ज़्यादा दिया जाए, ताकि उनका परिवार अच्छे तरीके से चल सके और वो भी जो है वो खुशी से जॉब एंड ड्यूटी कर सकें। लेकिन दोस्तों, आप मान लीजिए, जो व्यक्ति जो है हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं लोग हेल्थ इंश्योरेंस में या किसी अन्य प्रकार के स्वास्थ्य बीमा में, वो व्यक्ति यही सोच के ये काम करते हैं कि जब उसको कुछ हो जाएगा तो उसके परिवार को कोई जी दिक्कत नहीं आएगी। तो यही सोच के दोस्तों, सरकार ने 50 लाख रुपये का बीमा दिया है। मान लीजिए, हमारे किसी भी स्वास्थ्य कर्मचारी को, हमारे होमगार्ड साथी को या किसी भी आंगनबाड़ी आशा बहन को, किसी को भी अगर दुर्भाग्यवश कुछ हो जाता है कोरोना ड्यूटी के दौरान, तो उनके परिवार की उन्हें चिंता रहेगी कि हमारे परिवार का क्या होगा। लेकिन अगर उन्हें 50 लाख रुपये बीमा दिया जाएगा तो उनका परिवार जो है वो अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करेगा और उनके बच्चे जो है वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। तो सरकार का ये फैसला दोस्तों अच्छा है, लेकिन सरकार को हमारे साथियों को अलग से कुछ जो है वो देना चाहिए, जैसे उनका जो उनका टाइम पे वेतन नहीं मिल पाता है, उन्हें अलग से ड्यूटी बता दिया जाना चाहिए, ये कुछ घोषणाएं जो है वो होनी चाहिए। क्योंकि हरियाणा सरकार ने अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों को दोगुना वेतन देने का ऐलान किया है। जी हाँ दोस्तों, जब तक देश में कोरोना का संकट रहेगा, हरियाणा के अंदर सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को दोगुना वेतन दिया जाएगा। इसी प्रकार की कुछ घोषणा हमारे होमगार्ड भाइयों के लिए भी होनी चाहिए कि होमगार्ड साथियों को कुछ ज़्यादा वेतन दिया जाए ड्यूटी के दौरान, क्योंकि वो इतनी संकट की ड्यूटी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और सरकार ने जो 50 लाख रुपए बीमा योजना में शामिल किया है, क्या आप उससे खुश हैं, आप हमें इसके बारे में भी बताइएगा। होमगार्ड की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।